ये ज़रूर आप लोग को ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये बिहार की एक स्टोरी मीन्स बिहार के लोग ने बनाई है, और मे भी आप लोग बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा इससे। ऐसा नहीं होता तो, बट ये बात है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं दिल से, तो वो डेफिनेटली आपके पास आता है और आपको मिलता है अचीव। और ये सबसे बड़ी बात बिहार के लिए है कि बिहार की पहली फिल्म है जो बिहार में शूट हुई और बिहार के कलाकारों के साथ शूट हुई है। नमस्कार, मैं हूं आनंद अभिषेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खास करके रिपब्लिकन न्यूज़ एक नई शख्सियत, एक नई टीम के साथ हमेशा रूबरू आप लोगों को कराते रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं वो फिल्मी लोग जो बहुत ही कम समय में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। मूलतः बिहार के रहने वाले ये सारे लोग, खासकर डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, जो मूलतः बिहार के ही हैं और बिहार में ही शूट किया गया फिल्म। आपको यह जिज्ञासा जरूर बन पड़ेगी कि यह फिल्म है क्या। यह फिल्म है जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर। जी हाँ, फिल्म का नाम है जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर, और इसके सारे टीम आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक एक करके हम सबसे आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर धनशील जी से मुखातिब होंगे और जानेंगे फिल्म के बारे में। आपने अभी के समय, खासकर जो अभी चल रहा है फिल्मों का दौर, उसमें ये मिस्ट्री ऑफ मर्डर ये जो सब्जेक्ट है, इसको क्यों चुना आपने? ऐसा कुछ खास वजह था नहीं इस मिस्ट्री सब्जेक्ट को चुनने के लिए। बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ ऐसी फिल्में बनाई जाए ताकि लीग से हटके हो के, क्योंकि आजकल ड्रामा हो गया, कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया, बहुत सारी फिल्में बन रही है। तो मैंने कोशिश किया था कि चूँकि मेरी पहली फिल्म है, तो जाहिर सी बात है मेरा एक पहला प्रायोरिटी था कि कम बजट में और अच्छी फिल्में कैसी बनाई जाए ताकि दर्शकों को उनको देखे और उनको एंजॉय भी करे। तो हमारे पास एक आम, हम लोग आपस में ही चूँकि देखते हैं, आसपास के माहौल में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी घटनाएँ होती रहती है जो ना चाहते हुए भी घर के लोग कान लगा के सुनते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होती है, या तो आसपास में कोई मारपीट चल रहा होता है, या फिर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, या कहीं पे कुछ हो चुका रहता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेट होती है मिस्ट्री के टाइप से कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, तो लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं सुनने के लिए। तो मिस्टीरियस चीज़ लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो वहीं से एक आइडिया आया था कि क्यों ना एक मिस्ट्री फिल्म बनाई जाए। अब मिस्ट्री फिल्म बनाई जाए तो जाहिर सी बात है मिस्टीरियस में तो बहुत सारी फिल्में आती है, तो एक सब्जेक्ट चुना था जिसको मैंने कैजुअली एक मर्डर मिस्ट्री प्लान किया, क्योंकि जो कम बजट में और अच्छे तरीके से शूट हो जाए हमारे में, तो ये एक पॉइंट है इसको मिस्ट्री फिल्म चुनने का। ना यह है कि वर्चुअली जब फिल्म बनाने का आइडिया आया, तो चूंकि ये आपकी पहली फिल्म है हिंदी मूवी में आप शिरकत करने जा रहे हैं, तो पहले तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू, लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, कि कुछ नया कर लेना है या फिर एक ट्रेंड सेट करना है फिल्म इंडस्ट्री में, या जो बना बनाया हुआ पैटर्न है जिस सक्सेस का, जो तरीका है सक्सेसफुल फिल्म बनाने का, उसमें जो मसाले डाले जाते हैं बॉलीवुड फिल्मों में, उन मसालों का उपयोग किया है आपने, किस तरीके से आपने इस फिल्म को देखा है और बनाया है? जी, ऐसी अगर मेरी मंशा की बात की जाए तो ऐसा कुछ खास मोटिव था नहीं, बस मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था, लिमिटेड बजट थी हमारे पास, लिमिटेड बजट में एक फिल्म कैसे बनाई जाए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फिल्म बनाने के बाद उसको थिएटर को कैसे सौंपा जाए, क्योंकि एक फिल्म का डायलॉग्स था, कहावत भी है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि फिल्में बहुत सारी बनती है लेकिन रिलीज़ कितनी होती है, जो फिल्म रिलीज़ होती है उसी को फिल्म बोला जाता है। पहले आपने नहीं बहुत ज़्यादा सोचा, सीधा आपका टारगेट था कि फिल्म बनानी है, बन गई है फिल्म जी, तब आपको कैसा लग रहा है कि ये पब्लिक को पसंद आने वाली फिल्म है या फिर एक ट्रेंड सेटर है, एक नई आर्ट फॉर्म आपने क्रिएट किया है? देखिए, जहाँ तक बात है ट्रेंड सेटर की या फिर पब्लिक को पसंद आए कि नहीं, तो सबसे पहला मेरा मोटिव ये था कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ जो पब्लिक देखे, मेरा पहला मोटिव वो था। अब वो ट्रेंड सेट होती है या नहीं होती है, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस था नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्म अच्छी होगी तो एक लोग देखेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो। हाँ, बात हम लोग कर चुके हैं, वो आपने बता दिया है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपने नहीं ये वेंचर किया था जी, आपने एक उत्साह में और नई चीज़ करने का जो एंथुसियाज्म होता है उसके तहत इस फिल्म का निर्माण किया है। अब जब फिल्म बन करके तैयार है तो
ख़ास तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में हमारे साथ तनु भी हैं जिन्होंने इस फिल्म में बहुत मुख्य किरदार निभाया है, हमारे साथ पंकज जी भी हैं। तो अब तनु ये बताएंगे कि इस फिल्म को करते हुए उन्हें, चूँकि डेब्यू मूवी है आपकी, कैसा अनुभव हुआ धर्मशील? एक्चुअली इस मूवी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इस मूवी के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है और धर्मशील सर के थ्रू मिली है, और इनका गाइडलाइन बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमारा फर्स्ट डेब्यू था और डेब्यू में मीन्स थोड़ा सा नर्वसनेस ऐसे कुछ होता है, बट बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि इनका गाइडलाइन बहुत ही अच्छा था। इन्होंने मूवी में मुझे बहुत अच्छे से डायरेक्शन दिया है, सब कुछ किया है और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सर की कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तो तनु जी ये बताइए कि आपका इस फिल्म में किस तरह का किरदार है, किस तरह के किरदार निभा रही हैं आप? इस मूवी में मेरा एक पैरेलल रोल है, जो रोल में हमारे सारे फ्रेंड्स हैं जो हम जंगल में जाते हैं, तो फ्रेंड्स का हमारा रोल है कि हम लोग हैंग आउट करने जाते हैं बाहर जंगल में एंड हमारे साथ कुछ मिस्ट्री हो जाती है, वो रोल हमारा है। मिस्ट्री आपका तो बैकग्राउंड या यूँ कहें कि कुछ फिल्मों से ही नाता रहा है, आपने ये आने वाली फिल्म या आप कर रही हैं अभी ये इंडियाज मोस्ट वांटेड, तो आप फिल्मों से पहले से ही जुड़ी हुई थी? एक्चुअली नॉट, बट या फिल्म में थिएटर मैंने करा है, थिएटर के थ्रू मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ मूवीज़ में, और मीन्स ये हमारा मेरा बचपन से एक था, ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूँ और डांसर बनूँ, लाइक फैशन मॉडलिंग ये सब चीज़ करूँ, और वो अचीव कर रही हूँ मैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मूवी अभी मेरा रेगुलर ये चलता रहेगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मूवीज़ करना और उसके साथ जुड़े रहना, तो ये हमारा गैदर इट फ्रॉम धर्मशील कि कैसा कि उन्होंने किया है, आप इनके बारे में धर्मशील जी बताइए कि ये एक्ट्रेस के तौर पे फिल्मों में कैसे मतलब काम की है, इनका काम आपको कैसा? छोटे शब्दों में बोलना चाहूँगा कि यह फिल्म बन के तैयार हुई है, एक काफ़ी टाइट शेड्यूल में बना है, कंप्लीट मींस 12 दिनों में हम लोगों ने फिल्म का सारा काम शूट ख़त्म किया है। तो एक ही लाइन में बोलूँगा कि ये लोग अगर नहीं होते तो फिल्में नहीं बनती, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कोऑपरेशन मिला है, क्योंकि एक एक्टर का कोऑपरेशन नहीं मिलता है तो फिल्में खींचती चली जाती है। तो एक्टर्स का कोऑपरेशन प्लस 12 दिन में फिल्म ख़त्म करना, तो अंदाजे से लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कोऑपरेशन होगा इनका, कि मीन्स एक डायरेक्शन दो और बिना सोचे समझे हाँ ये मुझे गाइडलाइन मिला है मुझे ये करना है बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के, तो ये सपोर्ट रहा इनका। बड़ी जल्दी से लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया आनंद, आपने ध्यान नहीं दिया, ये पूरी फिल्म में इन्होंने 12 दिनों में कंप्लीट किया है। बिल्कुल ये काबिले तारीफ है कि आपने 12 दिनों में फिल्म को कंप्लीट कर लिया, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और यही बताता है कि इनके साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो कितने मंजे मंजाए हुए थे, रीटेक का झंझट बहुत नहीं मोल लिया होगा इन लोगों ने, इन लोगों ने मौका भी नहीं दिया होगा। जानते हैं पंकज से कैसा रहा ये? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिपब्लिकन न्यूज़ की आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे। अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा, इससे पहले मैंने कुछ फिल्में कर चुकी है जैसे डेथ ऑन संडे, संजय मिश्रा सर के साथ शूट हुई हमारी, इससे पहले थिएटर से भी हमारा नाता है, मैं काफ़ी पहले से धनसी सर को जानता हूँ, ये काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है। जैसे कि हमने सुना था कि मूवी करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, ऐसे है वैसे होता है, बहुत हार्ड होता है, बट ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मूवी करके। लोग सोचते हैं कि मुंबई जाने के बाद वहाँ से हराश होकर निराश होकर चले आते हैं और लोग बोलते हैं कि कुछ वैसा नहीं होता यार, वैसा नहीं होता, तो बट ये बात है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं दिल से, तो वो डेफिनेटली आपके पास आता है और आपको मिलता है अचीव। और ये सबसे बड़ी बात बिहार के लिए है कि बिहार की पहली फिल्म है जो बिहार में शूट हुई और बिहार के कलाकारों के साथ शूट हुई, तो हमारे लिए प्राउड की कहीं ना कहीं बात है कि हम बिहारी हैं और वी आर डूइंग वेरी बेस्ट, तो थैंक यू सो मच। पूरी टीम के साथ कैसा काफ़ी सेट हमारा एकदम खुशनुमा था, लाइक फ्रेंडली, जैसे हम मस्ती मजाक चलते रहते थे पहले शूट के दौरान, हम शूट करते थे, शूट के बाद काफ़ी मस्तियाँ होती रहती थी, और लाइक डायरेक्टर अगर बात करूँ डायरेक्टर की या फिर और भी लोगों की वहाँ, तो काफ़ी फ्रेंडली था, हमें ऐसा फील नहीं होता कि किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, लाइक अगर कुछ गलतियाँ भी हमसे होती थी तो ईजिली टैकल करना, कैसे बताया जाता उस चीज़ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो जाते उस दौरान कि हाँ भाई मुझे फिल्म शूट करनी, फिल्म शूट करनी, बट ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं था, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस। खासतौर पर आनंद, एक और अहम जानकारी मुझे मिली इस फिल्म के बारे में,
कि इस फिल्म को पूरी तरह से बिहार के लोकेशन पे ही शूट किया गया, जबकि बिहार के यह इमेज जो बाहर बॉलीवुड में या हिंदी फिल्मों के लिए ख़ास तौर पे माना जाता है कि बहुत सूटेबल नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है और भी दूसरे तरीके की प्रॉब्लम होते हैं। धर्मशील जी से मैं जानना चाहूँगा कि पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको कैसा फील हुआ? जहाँ तक कि मेरा बेस यहीं पे है तो कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं हुई, बस है कि यहाँ पे बिहार में चूँकि वो फिल्मी माहौल नहीं जैसा कि बॉम्बे में है और सारे मेट्रो से है कि बिहारी होने का फ़ायदा आपने जी बिल्कुल और बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे चूँकि वो हब नहीं है फिल्मों का, यहाँ पे कुछ और ही हब है, या रियल इस्टेट से बोले, कंस्ट्रक्शन से बोले, अदर सेक्टर्स में है, लेकिन फिल्मों का यहाँ पे हब नहीं है, तो कुछ परेशानी हुई और वो परेशानी कहीं ना कहीं लीगल्स में हुई या फिर लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हुई या फिर परमिशंस नहीं मिलना उसके थ्रू हुई और नेचुरल डिजास्टर के थ्रू भी हुई। यहाँ से बेस करने के लिए दूसरी तरह की समस्या का सामना शायद आपको करना पड़ा हो, क्योंकि आपके आर्टिस्ट भी बिहार के ही हैं और बिहार के लोगों से बॉलीवुड की यह शिकायत रहती है कि उनका उच्चारण, भाषा का टोन जो है वो कहीं ना कहीं बिहारी टोन आता है, उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। तनु बताएंगे क्या इस तरह का प्रॉब्लम हुआ क्या? नो, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिहारी टोन लोकल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं और फिर में भी ऐसा बहुत कुछ ना ही मगही लैंग्वेज या फिर बिहारी बहुत लोकल लैंग्वेज होता है, ऐसा कुछ नहीं था, सारा हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज ही था, तो हमें बहुत ही ईजिली टैगल कर लिया। अच्छा। कुछ भी परेशानियाँ नहीं हुई इसमें। हर हाल हम जानना ये चाहते हैं, तनु बताएंगे कि क्यों दर्शकों को, आप अपने यहाँ के दर्शकों को आप क्यों चाहती हैं कि वो आपकी फिल्म आकर के देखें? ऐसा क्या दिया है आपने, इंटरटेनर है या कोई मैसेज है इसमें या प्योरली मिस्ट्री है, क्योंकि उनको तीन घंटे तक एक्चुअली की मूवी है 88 मिनट्स में आपको ऐसा लगता है कि दर्शक कहीं बोर नहीं होगा पूरा? नहीं है, ये एक्चुअली ये मूवी जो है ना, ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसमें बोरिंग फील हो, एक्शन है, मस्ती है, फ्रेंड्स के साथ हो रहे, तो हमें ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, यंगस्टर्स देखेंगे उन्हें एक्साइटमेंट लगेगा थोड़ा मूवी देखकर, क्योंकि ये मिस्ट्रियस भी है थोड़ा सा, मर्डर वर्डर से रिलेटेड है लाइक, और जब फ्रेंड्स जो होते हैं वो लोग बाहर जाते हैं हैंग आउट करते हैं तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इस मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं हैंग आउट करने जाते हैं, किसी फ्रेंड्स पार्टी में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारे यंगस्टर्स से रिलेटेड, तो आई थिंक दे लाइक द मूवी। हाँ, एक आप तो एक अच्छी डांसर रही हैं, तो फिल्म में डांस का इस्तेमाल हुआ है? नहीं, फिल्म में डांसिंग ऐसा कहीं कोई स्क्रिप्ट में था ही नहीं कि डांसिंग का है कोई रोल, अगर होता तो ज़रूर सर हमें ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी देते ही, बट ऐसा था नहीं। तनु जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने 18 रोज में शूटिंग कर ली पूरी, 12 रोज में आपने शूटिंग पूरी कर ली, राजगीर के हसीन वादियों में आपने 12 रोज गुजारा, कुछ ऐसा वाक्या, कुछ ऐसी बातें जो आपको दिल को छू गया हो शूटिंग के समय, वो ज़रा से? राजगीर में एक्चुअली मैंने विज़िट किया नहीं जनरली, बट मूवी के व्यू से मैं गई थी वहाँ पे, और मुझे वहाँ का मीन्स बहुत ही अच्छा एक लोकेशन था, आई डोंट नो व्हाट्स दैट नेम, बट वहाँ का लोकेशन बहुत, मे बी वहाँ बहुत सारे शूट्स होते हैं, और हम वहाँ फर्स्ट टाइम मैं टमटम से गई थी वहाँ पे, मुझे वो सीन और वो जो हमारे साथ सारे कोऑर्डिनेटर्स जितने हमारे को स्टार्स थे वो सब गए थे वो, क्योंकि वहाँ पे वो एरिया ऐसा है कि सिर्फ टमटम से ही जा सकते हैं, और हमें बहुत ही मज़ा आया था, वो पल मैं नहीं भूल सकती। यानी टमटम पे चढ़ना आपको काफ़ी अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है वहाँ पे, मैं कभी ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने गई नहीं मीन्स हमेशा फोर व्हीलर या जो भी है टू व्हीलर से यूज़ किया, बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ कि मैं टमटम यूज़ किया हूँ और वहाँ पे गई हूँ, क्योंकि वहाँ का मौसम वेदर बहुत ही अच्छा था, वहाँ एक छोटा सा लेक है और एक छोटा सा लेक के अंदर में ही कुछ स्तूप टाइप बना हुआ है, तो चाहेंगे कि इस दौरान जो आपने कुछ रफ कट्स आपके पास होंगे तो वो हम लोग के साथ शेयर करें, तो हम लोग अपने चैनल पे के जरिए दर्शकों को दिखाएंगे कि बिहार में भी इतने अच्छे लोकेशंस मौजूद हैं। बहुत सारे लोकेशन है, लेकिन बिहार में मार खाते बस एक चीज़ से, यहाँ पे मूवी के लेकर के कुछ सब्सिडी एंड ऑल है नहीं। आपने बात किया झारखंड के, तो झारखंड में आपको पता है कि मूवी के लिए सब्सिडी मिलती है, तो दो चीज़ होता है कि एक फाइनेंशियल वहाँ पे बेहतरीन होती है, लोकेशन भी अच्छा है। बिहार में हमारे डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जो काफ़ी रिच है, काफ़ी यूनिक है। अगर मैं बात करूँ राजगीर की, वो भी काफ़ी अच्छा है गया, कि वहाँ भी पटना में भी कुछ ऐसे लोकेशन जो काफ़ी अच्छे हैं,
तो कहीं ना कहीं अगर मार खा जाते तो पैसे सब्सिडी एंड ऑल और बिहार की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये चीज़। अगर ये होती तो कहीं ना कहीं अब झारखंड में देखो एक साल के अंदर लाइक 36-50 ऐसे मूवी शूट हो रहे हैं तो डेफिनेटली बिहार में भी होता। हम लोगों के बेस्ट विशेज हैं आपके साथ, आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, अपने बिहार के दर्शकों से आप इस फिल्म को देखने की अपील कर सकते हैं अगर आप इफ यू सो लाइक तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जल्दी ये मूवी आप लोगों के थिएटर में लगेगा, नज़दीकी थिएटर में आप सभी जाएँ वहाँ पर और इस मूवी का आनंद लें, क्योंकि इसमें मूवी में सारी चीज़ें भरपूर है, एंटरटेनमेंट, मस्ती, मर्डर मिस्ट्री, कुछ सोचने पे मजबूर करेगी, कुछ मज़े करने पे मजबूर करेगी, वैसे मूवी है। तो आप लोग जाएं अपने नज़दीकी सिनेमाघर में और देखें, एंजॉय करें। इसके अलावा पंकज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग फील करेंगे कि उनके अपने यहाँ की कहानी है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी बातचीत जैसी हो रही थी कहानी के कंटेंट को लेकर के, इसकी स्क्रिप्ट को लेकर के, तो मुझे सचमुच में पश्चिमी चंपारण का वो दस्यु प्रभावित इलाका याद आ रहा था जहाँ पे कि सरैया मौन जैसे स्पॉट पे इस तरह की घटना हुई थी। तो तनु बताएंगे दर्शकों से इस बारे में कि उनको क्या यह फील होगा कि ये इनके अपने यहाँ की कहानी को लेकर के आप लोगों ने फिल्म बनाई है। बिल्कुल, ये ज़रूर आप लोगों को ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये बिहार की एक स्टोरी मीन्स बिहार के लोग ने बनाई है और मे भी आप लोग बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा इससे यंगस्टर्स को भी और सारे जितने भी फिल्म मेकर है और फिल्म डायरेक्शन में जो काम करते हैं उन सबको एक इंस्पिरेशन मिलेगा और ये मूवी बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ व्यूअर्स गो और देखो अब अपने सिनेमा घरों में। थैंक यू रिपब्लिकन स्टूडियो, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें लोगों तक पहुँचाने के लिए। अबे निकल बाहर। अबे कौन है तू? मरना है क्या? हमारी गाड़ी मिली है क्या तुझे मरने के लिए? रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।